myself, Shreya Sharma, and I would like to thank the whole team of Creative Dice and RK College for organizing this amazing platform. तो मैं पोएट्री करती हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है माँ, हम सब रिलेट कर पाएंगे. हम सबकी मम्मी बहुत प्यारी होती है, सबको लगता है मेरी मम्मी बेस्ट है और लगना भी चाहिए क्योंकि सबकी मम्मी बेस्ट होती है. तो उस पर थोड़ा सा लिखा है, आई होप आप लोग रिलेट करके चल पाएंगे. ठीक है, माँ, मम्मी, अम्मी, अम्मा, नाम अलग जरूर है, बेटा उसका चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो उसे मंजूर है. औलाद किसी की बुरी है तो किसी की अच्छी है, पर माँ क्यों सबकी एक जैसी सीधी और सच्ची है. मैं कैसी लग रही हूँ माँ, ये बातें मेरी माँ को फिजूल लगती है क्योंकि मैं जब भी कहीं जाऊँ, जैसे कि आज भी, वो हर बार ही मेरी नजर उतारने लगती है. माँ को खुश करना कितना आसान होता है ना, थोड़ी सी सब्जी की तारीफ कर दो और एक रोटी ज्यादा खा लो, उसी में उनका दिन बन जाता है. पापा के गुस्से से आप हर बार मुझे बचा लेती हो, मेरे सपनों के लिए आप पापा से लड़ जाती हो, खुद के अलावा आप सबकी परवाह कैसे कर लेती हो. मेरी उतरी हुई शक्ल पे आपका मुझे पूछना कि अब क्या हुआ और मेरा गुस्से में उनको जवाब देना यार मम्मी सब ठीक है, और फिर उनका मेरे सर पे हाथ रखकर बड़े प्यार से बोलना मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी वीक है, प्यार बहुत है आपसे और इज्जत उससे भी ज्यादा है, फिर चीख कर चिल्ला कर भूल जाते हम अपनी मर्यादा. बहुत खुशकिस्मत हूँ मेरे कि मैं आपकी परछाई हूँ, खुशियाँ दोस्तों के साथ मनाई तो हार के आपके पास आई हूँ. मेरा दुख, मेरे आंसू, मेरी परेशानी और आपका क्या, मैं हंसूं तो वो हंसती है, मैं रोऊं तो वो रोती है. माँ इतनी सेल्फलेस कैसे हो सकती है. मम्मी मैंने ना आज तक कितनी गलतियां की हो आप कभी दिल पे नहीं लेती हो, मुझे पता भी नहीं चलता कब रूठ कर खुद मान भी जाती हो. जब तक मैं घर ना आऊं तब तक ये खाना नहीं खाती है, कभी पापा के खाने का इंतजार तो कभी भाई का इंतजार, वो अक्सर इसी इंतजार में अपना पूरा दिन गुजार देती है. मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करती हो, कभी किसी बात के लिए मुझे रोका टोका नहीं. सही कहते हैं लोग, माए भगवान होती है क्योंकि इतना प्यारा इंसान तो होता नहीं. थैंक यू.